देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। पाक अधिकृत कश्मीर पर मोदी सरकार ले सकती है कोई बड़ा फैसला, केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर बोले पीओके पर विचार। आतंकवाद समर्थक पाकिस्तान बौखलाया, लद्दाख के पास तैनात कर रहा है फाइटर प्लेन। रिलायंस के मुकेश अंबानी की नई सौगात, जियो गीगा फाइबर का कॉमर्शियल लॉन्च सितंबर में। बीजेपी नेता शिवराज ने फिर दोहराया, नेहरू से अपराध हुआ है, एमपी पुलिस को भी लिया आड़े हाथों। और देश भर में मनाई गई ईद, जम्मू कश्मीर में भी शांति के साथ मनाई ईद का त्योहार। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर केंद्र की मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की बातों से तो ऐसा ही प्रतीत होता है। जावड़ेकर ने इंदौर में कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अब सरकार का अगला कदम पीओके है। केंद्रीय मंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कहा कि वहां मंदिर तो पहले से बना हुआ है, अब वहां भव्य मंदिर बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर देश की मोदी सरकार कुछ बड़ा करने के मूड में है। पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अब सरकार का अगला कदम पीओके है। पहला तो पीओके, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाते हैं, ये भारत का हिस्सा है और वो हमारा जो सर्वसम्मति से संसद का प्रस्ताव है कि पीओके भारत में लेना, यही हमारा काम है। ये 94 में संसद में प्रस्ताव पास हुआ था और इसलिए जम्मू कश्मीर के विधानसभा में पीओके के सीट्स विधानसभा की जितनी होती है वो खाली रहेगी अभी, क्योंकि वो अलग से रहेगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान पहले ही घबराया हुआ है। ऐसे में मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान में बड़ी हलचल मच गई है। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस और भारत आने वाली बस भी बंद कर दी है। आतंक परस्त पाकिस्तान में भारत द्वारा उठाए गए कदम का लगातार विरोध चल रहा है। आतंकवाद समर्थक पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने गलत इरादों से एलओसी के पास और लद्दाख के पास एयरबेस पर फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने से आतंक समर्थक लोगों की नींद हराम है, पाकिस्तान भी उनमें से एक है। पाकिस्तान की इन हरकतों पर भारत की नजर है और अब पाकिस्तान को उसकी छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ने वाली है। जम्मू कश्मीर को लेकर भारत ने जो फैसला लिया है उससे पाकिस्तान को काफी दिक्कत हो रही है। लगातार पाकिस्तान ऐसे फैसले ले रहा है जो उनकी बौखलाहट को दर्शा रहा है। अभी तक तो पाकिस्तान ने रेल बस सर्विस रोकने या फिर राजनयिक संबंध तोड़ने का फैसला लिया था, लेकिन अब उसकी तरफ से कुछ जो कदम उठाए जा रहे हैं वो उसके गलत इरादों को दर्शाता है। पाकिस्तान ने लद्दाख के पास मौजूद अपने एयरबेस पर फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। एक पाकिस्तान पत्रकार के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर इलाके की तरफ अपनी सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया है। शनिवार को पाकिस्तान की तरफ से C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को स्कार्दू एयरबेस पर लाया जाना शुरू किया। भारत पाकिस्तान की हर एक चाल पर नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान भारत के द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का विरोध कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और सरकार का हर प्रतिनिधि लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। पाकिस्तान लगातार कश्मीर के मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लग रही है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज को कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा निवेश मिला है। दरअसल आरआईएल के ऑयल और केमिकल डिवीजन में सऊदी अरब की कंपनी सऊदी अरामको 20% का निवेश करेगी। यह जानकारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दी। इस दौरान उन्होंने देश में अपने बहुप्रतीक्षित जियो गीगा फाइबर के कॉमर्शियल लॉन्च की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जियो गीगा फाइबर जियो की तीसरी वर्षगांठ यानी 5 सितंबर से कॉमर्शियली शुरू किया जाएगा।
रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने बताया कि विदेशी निवेश के मामले में हमने एक नया मुकाम हासिल किया है। मुकेश अंबानी के मुताबिक आरआईएल ने सऊदी अमेरिका के साथ करार किया है, इसके लिए वह $75 बिलियन खर्च करेगी। मुकेश अंबानी ने मोदी सरकार के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत की इकोनॉमी में थोड़ी सुस्ती है, लेकिन यह अस्थायी है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखने की बात कही, यह आगे मुमकिन होता दिख रहा है। इसके बाद ईशा और आकाश अंबानी ने जियो फाइबर सर्विसेज का डेमो दिया। उन्होंने बताया कि आज 5 लाख से ज्यादा लोग इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। कंपनी का प्लान है कि 20 मिलियन परिवारों और 15 मिलियन बिजनेस तक पहुंचे जा सके। मुकेश अंबानी ने इस दौरान कहा कि हम आज फाइबर नेटवर्क की मदद से घरों और दफ्तरों में तेज इंटरनेट सेवा देने में सक्षम हैं। उपनिषदों में लिखा है तमसो मा ज्योतिर्गमय, मतलब अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। As India is getting transformed into a new India, Reliance will transform itself into a new Reliance. Our Prime Minister, Shri Narendra Modi, has set the goal of making India a $5 trillion economy by 2024. I fully endorse this ambitious goal. Indeed, I can clearly see India becoming a $10 trillion economy by 2030 with every Indian as a beneficiary. This is achievable, this is necessary, and this, I believe, is inevitable. उन्होंने दावा किया कि जियो के पहले भारत में डेटा डार्क था, लेकिन अब डेटा शाइनिंग कर रहा है। आज 340 मिलियन यूजर्स हैं। जियो भारत में सबसे बड़ा ऑपरेटर बना, साथ ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर बन गया है। मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल उत्पादक कंपनी के निवेश की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। जियो गीगा फाइबर के प्लान सबसे प्रीमियर सर्विसेज के साथ आएंगे। जिस दिन फिल्म रिलीज होगी उसी दिन घर में बैठकर उसका मजा ले सकेंगे। जियो फर्स्ट डे फर्स्ट शो सर्विस की घोषणा की, जो 2020 के मध्य से शुरू होगी। इसके शुरू होने के बाद लैंडलाइन से किसी भी मोबाइल कॉलिंग को मुफ्त कर सकते हैं। सिर्फ ₹500 में फिक्स लाइन से दुनिया में कहीं भी मुफ्त अनलिमिटेड कॉल कर सकेंगे। मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो गीगा फाइबर के प्लान ₹700 से ₹10,000 तक के बीच होंगे। जियो ने इस दौरान अपने पहले MR हैंडसेट का डेमो भी दिखाया, जो बहुत जल्द ही बाजार में उपलब्ध होंगे। इस हैंडसेट की मदद से यूजर एक साथ 3 चीजों का वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से मजा ले सकेंगे। इसमें शॉपिंग, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का भरपूर मजा मिलेगा। देश भर में शांत माहौल में ईद मनाई गई, लेकिन इस बार सबकी निगाहें कश्मीर घाटी पर रहीं। कश्मीर में भी ईद शांति के साथ मनाई गई। इस दौरान धारा 144 में कुछ समय के लिए ढील दी गई। कुर्बानी का पर्व ईद पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। देश भर की मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई, लेकिन इस बार सबकी निगाहें जम्मू कश्मीर पर थी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अभी धारा 144 लगा दी गई है। त्योहार को देखते हुए धारा 144 में कुछ ढील दी गई। ईद के त्योहारों को देखते हुए धारा 144 में ढील देने के बाद इस दौरान बाजार बैंक खुले हुए थे। बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की ओर निकले। हालांकि नमाज का वक्त खत्म होने के बाद जो ढील दी गई थी उसे वापस ले लिया गया और फिर से पाबंदी लागू कर दी गई। गौरतलब है कि सोमवार सुबह घाटी की मस्जिदों में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी और लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान नमाजियों को सुरक्षा बलों का भी साथ मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने कई मस्जिदों में मिठाई बांटी और स्थानीय लोगों को ईद की बधाई दी। ईद की बात करें तो श्रीनगर, बारामूला, पहलगांव, अनंतनाग में हजारों की संख्या में लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। अकेले बारामूला की मस्जिद में 10,000 लोगों ने नमाज अदा की और जो वहीं अन्य शहरों की मस्जिदों में भी हजारों की संख्या में नमाजी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर दोहराया कि नेहरू से अपराध हुआ है। मैं देश के सभी महापुरुषों का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है।
राष्ट्र के साथ जो अपराध करता है वो सबसे बड़ा अपराधी है। मैं तथ्यों के साथ बात करता हूँ। अपराध हुआ है नेहरू जी से, शेख अब्दुल्ला से नेहरू जी का इतना प्रेम क्यों था मैं नहीं जानता। शेख अब्दुल्ला के कहने पर विशेष राज्य का दर्जा दिया, कश्मीर में धारा 370 लागू करना अपराध था। घाटी खून से रंगती रही, शेख अब्दुल्ला का परिवार फलता फूलता रहा, कश्मीर को मुख्य धारा से अलग किया गया। शिवराज ने कहा कि एक और अपराध किया है पंडित जी ने, जब भारतीय फौज लाहौर में खदेड़ रही थी तो युद्ध विराम कर दिया गया, आंतरिक मामले को अंतरराष्ट्रीय मामला बना दिया गया। एक तिहाई कश्मीर का हिस्सा आज अगर हमारा नहीं है तो पंडित जी की गलती के कारण हुआ। नेहरू जी की गलती सुधारी गई है, अब मैं मोदी अमित शाह जी की पूजा करता हूं। मुझे पी चिदंबरम पर तरस आता है, यह सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता है जो हिंदू मुस्लिम में देश बांटती है। कांग्रेस में नई कोपल तब तक नहीं फूटेगी जब तक लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुना जाएगा। पी चिदंबरम जैसे कांग्रेस को और डुबाएंगे। पंडित जी का सोच मुझे तो तकलीफ होती है। 1962 की हार के बाद जब पार्लियामेंट में बहस हो रही थी तब पंडित जी ने कहा कि उस हिस्से को लेकर इतना हो हल्ला क्यों मचाए, वहां तो घास का एक तिनका तक नहीं होता। तब महावीर जी ने कहा था कि अगर मेरे सिर पे एक बाल नहीं है तो मैं सिर काट दूं या कोई और को दे दूं। हमारे लिए देश जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत हमारी माँ है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हम जीते हैं उसके लिए, मरते हैं उसके लिए। अगर हमारे देश के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करेगा तो ऐसी टिप्पणी करना अपराध है। मैं तो धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, उन्होंने धारा 370 समाप्त करने का एक ऐतिहासिक काम किया है। नेहरू जी द्वारा की गई गलती सुधारी है। तत्कालीन कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर ने धारा 370 को साफ मना कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने उनकी बात न मानकर धारा 370 का मसौदा तैयार कराया। नेहरू जी ने एक और गलती की। 1962 की जंग के बाद सदन के अंदर नेहरू जी ने बोला था कि लद्दाख में घास का एक तिनका भी नहीं उगता, तब उनके ही मंत्री महावीर ने सदन में नेहरू का विरोध किया था। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की पुलिस को आड़े हाथों लिया है, कहा पुलिस स्वच्छंद हो गई है, मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो गई हैं, जैसा राजा वैसी व्यवस्था हो गई है। थाने में मारपीट से मौत की घटनाएं सामने आ रही हैं। शिवराज ने मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार और पुलिस को दोषी ठहराया है। लोगों को बर्बरतापूर्ण पीटा गया, बल्कि उन्हें पेशाब तक पिलाए गए। इस घटना में सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, ऐसे दोषी पुलिस कर्मियों की सेवा समाप्त करनी चाहिए। बिजली के आउटसोर्स कर्मियों पर लाठीचार्ज किया गया। सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने तारे तोड़कर लाने की बात कही थी। सत्ता हासिल करने के लिए जो ये सब वादे किए हैं, अब करिए वादे पूरे। ऐसे मसले में संवेदनशील होना चाहिए। हम पहले से ही तैयारी करते थे, मैं स्वयं जाता था। आदिवासी नौजवानों को पकड़ा जाता है, बर्बरतापूर्वक पीटा जाता है। आखिर किसने पीटने का अधिकार दिया? मैं केवल पीटा गया, उनको पैसा पिलाई। मैं चाहता हूं कि इस घटना में केवल सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री इस घटना की गंभीरता से न्यायिक जांच करवाएं, और इस तरह के लोग अगर हैं, इस तरह के पुलिसकर्मी हैं जिस ढंग से आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं, उनकी सेवाएं समाप्त होनी चाहिए। केवल सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, और आगे फिर इस तरह की बर्बर घटना ना हो। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के बाद अब नक्सलवादियों ने भी कश्मीर में धारा 370 हटाने का विरोध किया है। नक्सलियों ने बैनर और पोस्टर लगाकर विरोध जताया है।
कांकेर में नक्सलवादियों ने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का विरोध किया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के बाद अब नक्सलवादियों ने भी 370 और 35A हटाने पर आपत्ति जताई। नक्सलियों ने जगह जगह बैनर और पोस्टर लगाकर रोष व्यक्त किया है। नक्सलियों ने पोस्टर के माध्यम से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। नक्सलियों का कहना है कि कश्मीर से 370 हटाए जाना पूरी तरह गलत है। नक्सलियों ने लोगों से इसका विरोध करने की अपील भी की। छोटे बेठिया थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने भारी मात्रा में बैनर लगाकर केंद्र सरकार की आलोचना की। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने-बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जबलपुर खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए रीवा में 17 क्विंटल नकली मावा जब्त किया। नकली मावे के पीछे खाद्य विभाग रीवा के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। खाद्य विभाग के कार्यालय के बगल में नकली मावे का धंधा किया जा रहा था। नकली मावा ये धंधा खाद्य विभाग की मिली भगत से चल रहा था। रीवा में नकली मावा बनाने का गोरख धंधा सामने आया है। खाद्य विभाग कार्यालय के बगल में विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से ही यह कारनामा किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओपी साहू की अनदेखी के चलते शहर में नकली मावे का धंधा जोरों से चल रहा था। शिकायतों के बाद रीवा के अधिकारी चुप रहे। वहीं जबलपुर खाद्य विभाग ने रीवा में छापेमार कार्रवाई करते हुए नकली मावे के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किसके हाथ सप्लाई करने के लिए इस समय से दुकानदार कोई 5 किलो कोई 10 किलो कोई 20 किलो ऐसा अभी तो किसी का नहीं दिया। मैंने कहा तो ऐसा मतलब अपन राखी दिवाली में काम करते हमारे पकड़ा गया अभी किसी दुकानदार अब जबलपुर को कई दिनों से रीवा में नकली मावा सप्लाई होने की जानकारी प्राप्त हो रही थी, तो हमने हमारी टीम को 2-3 दिन से लगा के रखा था। उन्होंने वाच करते रहे तो ये पाया गया कि बबलू नाम जो व्यक्ति इलाहाबाद से नकली मावा के मंगा के यहाँ सप्लाई करता था। तो आज हमारी टीम ने यहाँ दबिश दी, जो यहाँ करीब 12 क्विंटल 800 ग्राम समथिंग गोदाम में मिला और 4.5 क्विंटल करीब बस स्टैंड में मिला है। तो कोई दावेदार नहीं मिला। हमने कार्रवाई करके यहाँ के खाद्य विभाग को दिया है, वो कार्रवाई कर रहे हैं। उनके विभाग को ही कार्रवाई की जाएगी, उनको सपोर्ट कर दिया। जिला में अगर सर्च करें तो हर जगह पे हर होटलों में इसी तरह की मिलावट गोरी चल रही है, जिसका पता इन अधिकारियों को तो ऑलरेडी रहता है जो स्थानीय अधिकारी होते हैं, लेकिन ये किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर पाते हैं और धड़ल्ले से ये अपना कार्य करते रहते हैं और पैसा भी लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये मिलावटखोर इनको पैसा नहीं देते होंगे, पैसा देते होंगे तभी ये किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। अगर जबलपुर की टीम आके इतनी बड़ी कार्रवाई कर देती है, बाहर की टीम आके, तो क्या स्थानीय प्रशासन को इतनी जानकारी नहीं रहती है कि कहाँ कहाँ पे होटल हैं और कहाँ कहाँ पे मिलावट चालू है। रीवा में ही दर्जनों की संख्या में ऐसी दुकानें हैं जिनकी जांच नहीं की जाती। माना जा रहा है कि दुकानदारों ने विभाग के साथ सेटिंग कर रखी है। बताया जाता है कि कुछ दुकानदारों के ऊपर सत्ताधारी दलों व अन्य पहुंच वाले लोगों का भी हाथ है। ऐसे
में अधिकारी छोटे कारोबारियों पर ही कार्रवाई कर जरूरी आंकड़े तैयार कर लेते हैं। अफसरों को मिलावटखोरों की जानकारी होने के बावजूद वे कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। सोनिया गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अभी की परिस्थितियों को देखते हुए सोनिया को अध्यक्ष बनाना एक सही निर्णय है। सोनिया देश की नहीं दुनिया की बड़ी नेता है। कांग्रेस में सोनिया के नाम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। सोनिया गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर नेता, मंत्री, विधायक व कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि सोनिया गांधी पहले भी 19 साल तक अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनको अनुभव है कि वह देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की एक बड़ी नेता हैं। उन्होंने कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनाई। शर्मा ने कहा कि आज जो देश और दुनिया की हालत है उसको देखते हुए विपक्ष में ऐसे नेता का होना जरूरी है। निश्चित तौर पर यह पार्टी हित का फैसला है। और उनको एक अनुभव है, वो देश की नहीं दुनिया की बड़ी नेता है, जिनको जिन्होंने 10 साल कांग्रेस की सरकार यूपीए की बनाई थी और कई राज्यों में सरकार बनाई। और आज जो घटनाक्रम चल रहा है मध्य प्रदेश और देश में और दुनिया में, उसके लिए ऐसी नेता का किसी विपक्ष की पार्टी में रहने पर मैं समझता हूँ कि उनको उनका अनदेखा कोई नहीं कर पाएगा। मुख्यधारा से जुड़ने के लिए सुकमा में 7 नक्सलवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें से 4 नक्सलियों पर इनाम की घोषणा भी थी। ये सभी 2008 से नक्सली गतिविधियों में शामिल रह रहे थे। सुकमा के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के सामने 7 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पित नक्सलियों में 4 पर इनाम घोषित है। एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि समर्पित नक्सलियों में प्लाटून 24 का सदस्य सोढ़ी जोगा शामिल है। उस पर 2,00,000 का इनाम घोषित है। सोढ़ी जोगा 2008 में नक्सली संगठन में शामिल हुआ था और 2014 में चोलनार के पास आईईडी ब्लास्ट में शामिल था। 1,00,000 का इनामी मुचाकी बुधरा ने नक्सली विनोद के गार्ड के रूप में काम किया है। एर्रे सोढ़ी पर भी 1,00,000 का इनाम घोषित है। वह महिलाओं को संगठन में जोड़ने का काम करती थी। पोडियम नंदा मिलिशिया पलाटून सेक्शन 1 का कमांडर है। एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सली पोडियम नंदा की निशानदेही पर कोंटा एरिया में पुलिस ने छापा मारा था। मौके से 30 किलो वजनी 19 नग जिलेटिन बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि विस्फोटक सामग्री क्रेशर प्लांट से थोड़ी थोड़ी मात्रा में एकत्र कर नक्सलियों को सप्लाई की जाती है। जिला सुकमा में लगातार नक्सल विरोधी अभियान जो हम चला रहे हैं उससे हमको मुठभेड़ में भी सफलताएं मिल रही हैं और साथ साथ जो एक साइकोलॉजिकल दबाव रहता है लोगों के ऊपर में वो भी हो रहा है। इसी के तहत काफ़ी सारे जो नक्सली कार्डर्स हैं वो शासन की समर्पण नीति से प्रभावित होकर के मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं और इसी के तहत आज हमारे पास 7 नक्सली पूर्व नक्सली जो हैं वो सरेंडर करने के लिए आए हुए हैं। इनमें से 3 हैं जो कि जिनके ऊपर इनाम भी घोषित किया हुआ है। बाइक सवार 2 अज्ञात युवकों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। भीड़भाड़ वाले इलाके में इस तरह की घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जबलपुर में संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में सरेराह अज्ञात युवकों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जिस युवक पर चाकू से हमला हुआ वो यादव कॉलोनी का रहने वाला था। उसका नाम मगन पटेल है, जो किसी काम से शाही नका दुर्गा मंदिर के पास गया था और अपनी एक्टिवा पर बैठा था। तभी बाइक से 2 युवक आए और उस पर दनादन चाकू से वार कर दिया और भाग निकले। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि युवक के साथ जिस तरह से पूरी घटना हुई सब स्तब्ध रह गए। जब तक हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की गई वे भाग चुके थे। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो एक युवक सड़क पर जख्मी हालत में पड़ा था जिसे उपचार के लिए भिजवाया गया। भीड़भाड़ वाले इलाके में ही इस तरह की घटना से क्षेत्र में डर का माहौल है। मृतक के चाचा ने बताया कि 2 दिन पूर्व ही मगन की पत्नी को डिलीवरी हुई थी जिसको लेकर मगन बहुत खुश था, सभी को मिठाइयां बांट रहा था। मगन पटेल नाम था और यादव कॉलोनी में रहता था। गढ़ा शाही नाका उसकी ससुराल है दुर्गा मंदिर के पीछे। जी बच्चा हुआ था अभी 2-3 दिन पहले, मतलब मेडिकल से छुट्टी करा के लिए गया था कल और मिठाई उठाई लेके जा रहा था शायद किसी को देने के लिए। जी और पता नहीं है कैसा किसने के समझे भी नहीं हम लोग को और पता चला फ़ोन के द्वारा कि मंगू के साथ घटना घटी। मगन उर्फ संतोष पटेल है, ये रहने वाला
28 साल का है। उसकी शादी अभी अप्रैल के माह में यही संजीवनी नगर क्षेत्र में हुई थी। आज ऑटो वो एक्टिवा गाड़ी से आया था, जा रहा था, तो किसी ने जो है गुप्ती से कोई धारदार नुकीला हथियार जो है उससे गले में मार दिया, जिससे ये मृत्यु हो गई है। अभी तक आरोपी अज्ञात है। हमारी टीम लगी हुई है, थाना प्रभारी संजीवनी नगर CSP गोरखपुर ये लगे हुए हैं और उनकी पूरी टीम लगी हुई है आरोपी के बारे में जानकारी पता करने में। वहीं इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उइके ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आए दिन हो रही हत्या से लोगों के मन में डर का माहौल बनता जा रहा है। एक तरफ सरकार है जो तबादले में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर पुलिस जो लोगों को सुरक्षा तक मुहैया नहीं करा पा रही है। राजघाट में बिजली के तारों की चपेट में आकर करंट लगने से 2 डूब प्रभावितों की मौत हो गई और 3 लोग झुलस गए। गुस्सा लोगों ने शव को नाव में रखकर विरोध प्रदर्शन किया। बड़वानी के राजघाट में करंट लगने से 2 डूब प्रभावित की मौत हो गई। इसमें प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। टापू बने राजघाट में लोग बिजली के तारों की चपेट में आ गए। वहीं घटना में 3 लोगों की झुलसने की खबर भी आई है। बिजली के तारों की चपेट में आने से राजघाट निवासी चिमन और संतोष की मौत हुई है। इस घटना के बाद राजघाट के लोगों में खासा आक्रोश है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। जो 2 लोगों की मौत हुई है करंट लगने की वजह, वो बोट इसलिए इस्तेमाल करनी पड़ी और ऐसे जाने पड़े क्योंकि जो बड़ी बड़ी बोटें राजघाट में है जिसमें नर्मदा जयंती मनाई जाती है, चुनरी पहनाई जाती है, उनमें खाना खिलाने वाले को भी जाने नहीं दे रहे हैं। आज ऐसी मौत के जिम्मेदार कौन है? एक वहाँ लाश पड़ी और एक यहाँ लाश पड़ी है। देश भर में जब सब ईद मना रहे थे उस समय 64 वर्षीय सैफुद्दीन फैज ने नमाज अता की और सफाई अभियान में जुट गए। फैज भोपाल के कारोबारी और पिछले 28 सालों से स्वच्छ भारत के लिए सफाई अभियान में लगे हुए हैं। देश भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, ऐसे में कारोबारी सैफुद्दीन फैज भोपाल रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई करते रहे। स्वच्छ भारत के लिए बीते 2.5 साल से वे बिना संगठन के अकेले ही नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। फैज रोजाना सुबह 9 बजे से शहर में सफाई का काम शुरू कर देते हैं। हर रोज किसी न किसी गली में वे कचरा बटोरते दिख जाएंगे। ईद पर भी उनका अभियान जारी रहा। उन्होंने बताया कि मुझे अपने इस अभियान में ही खुशी मिलती है। मेरा मकसद लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। यदि लोग अपनी गंदगी को खुद ही साफ कर लें तो पूरा देश ही स्वच्छ हो जाएगा। फैज स्वच्छता के लिए किसी से कोई मदद नहीं लेते हैं। ईद मनाया ये काम छोड़कर मुझे इससे ज्यादा खुशी ये सफाई करने में होगी। मुझे लेके तो 4 आदमी सफाई करके सीख जाएंगे, मैं धन्य हो गया। बुजुर्ग फैज ने बताया कि उन्हें शुरू में यह काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। परिवार के लोग ही उनसे घृणा करने लगे थे, कई लोगों ने धमकी भी दी, लेकिन मेरा मकसद ईमानदारी से स्वच्छता की अलख जगाने का है। इसीलिए जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मैं अपना यह अभियान जारी रखूंगा। रेलवे स्टेशन पर सफाई करते हैं सैफुद्दीन जी, बाकायदा टिकट भी लेते हैं। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान में योगदान दे रहे सैफुद्दीन फैज को रविवार को DRM उदय ने भोपाल रेलवे स्टेशन पर शॉल और बुके देकर सम्मानित किया। नशे का कारोबार प्रदेश में तेजी से फल फूल रहा है। पुलिस की टीम ने एक हुक्का बार पर बड़ी छापामार कार्रवाई की है, जहां नाबालिग युवक युवतियां हुक्का पीते हुए पाए गए। पुलिस ने हुक्का बार संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर मदन महल के चंद्रिका टावर स्थित तो हुक्का बार पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। हुक्का बार में फ्लेवर के रूप में नशा परोसा जा रहा था। बताया जा रहा है कि हुक्का बार लंबे समय से अवैध रूप से संचालित हो रहा था। कई नाबालिग युवक युवतियां हुक्का पीते हुए पकड़े गए। बिल्डिंग की तीसरी मंजिल में 90 mm हुक्का बार ऋषु दुबे नाम के एक युवक द्वारा अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने हुक्का बार चलाने वाले ऋषु दुबे को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नाबालिग युवक युवतियों के माता पिता को बुलाकर को उनके सुपुर्द कर दिया गया है। शिकायत आई थी कि उसमें हुक्का बार चल रहा है, बच्चे बच्चियाँ हुक्का बार इत्यादि पी रहे हैं वहाँ पर। उस सूचना के आधार पर हम लोगों ने वहाँ पर छापा मारा है और जब वहाँ छापा मारा तो हम लोगों ने पाया कि वहाँ पर बहुत छोटे बच्चे बच्चियाँ भी थे और इसका जो मालिक था ऋषु, उसके द्वारा हुक्का वहाँ पिलवाया जा रहा था, उसके ऊपर हम लोग विधिवत वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले आर्मी और नेवी के वीर जवानों को महाराष्ट्र की सांगली में महिलाओं और युवतियों ने रक्षाबंधन के पहले अनोखा तोहफा दिया। यहां बचाव दल में शामिल जवानों की कलाई में रक्षाबंधन के पहले ही महिलाओं ने राखी बांधी।
भाई बहन के रिश्ते की पवित्र डोर बांधते हुए उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए सभी का आभार जताया। बहनों द्वारा अपने आर्मी और नेवी के जवान भाइयों को राखी बांधने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जहां महिलाएं और युवतियां बड़ी संख्या में राखियां बांधते नजर आ रही हैं, वहीं जवान भी अपनी बहनों के सम्मान में उनके पैर छूते नजर आ रहे हैं। देश के अन्य राज्यों के साथ ही महाराष्ट्र में भी बारिश का जमकर कह टूटा है। यहां सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाके सांगली और कोल्हापुर में एनडीआरएफ सहित अन्य विभागों द्वारा बचाव दल पहुंचाने पड़े। दल ने यहां से बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को रेस्क्यू टीम द्वारा बाहर निकाला। बता दें कि महाराष्ट्र में भारी बारिश के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। यहां बारिश के चलते हुए हादसों में अब तक 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कुछ दिन पहले कल्याण भाई मेरे से बोल रहे थे कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है कश्मीर में, कुछ ऐसा फटने वाला है, बम बम यो, वहाँ पूरी मिलिट्री पहुंच रही है, वहाँ के लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है और वहाँ के स्टूडेंट्स को भी वहाँ भेजा जा रहा है। मेरे को लग तो रहा था कुछ होने वाला है, लेकिन इतना बड़ा होने वाला ये मैंने कभी सोचा नहीं था। वो कल भैया राज्यसभा में बिल पेश हो गया, धारा 370 हटा दी अमित शाह ने। बताओ, ये सब बड़ा धमाका जो 70 साल से जो गलती चली आ रही थी उसको एक दिन में खटाक से इन्होंने निपटा दिया। और मैं बता रहा हूँ, इस पर कांग्रेस के नेता ऐसे बिल बिलाए फिर रहे हैं, इनमें कोई संपट नहीं बैठ रही, क्या बोलें, क्या सपोर्ट करें, इसका क्या करें। कुछ कांग्रेस के नेता सही बात बोल रहे हैं, बोले देश में ये अच्छा हुआ, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में एक ही कानून चलेगा, और वहाँ की बेचारी लड़कियाँ अगर दूसरी जगह शादी कर लेती तो उनकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदारी नहीं रहती थी। अब ये कोई लोकतांत्रिक चीज़ें हैं क्या? और वहाँ के कश्मीर के नेता बोल रहे हैं कि अलोकतांत्रिक फैसला है, ये है वो है, कोर्ट में जाएंगे। और मैं बता रही, ये सब भाई लोकतंत्र की चीज़ें थी क्या? ये किसी को विशेष अधिकार, किसी को कोई अधिकार ही नहीं है। और मैं बता रही हूँ, अब क्या हो गया वहाँ, अब दिल्ली जैसा माहौल हो जाएगा वहाँ, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और एलजी, इनमें खूँ 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 चलती रहती है। वो एलजी पावरफुल रहेगा, हाँ उसकी चलेगी ज़्यादा, वो ताकतवर रहेगा। और पाकिस्तान हमारे जो पड़ोसी देश है, बेवजह चिल्लाया जा रहा है, भुनभुनाया जा रहा है, बिलबिलाए जा रहे हैं। अरे तुम्हें क्या लेना देना, ये हमारे देश का मामला है, हम कुछ भी करें। हाँ, हम चंद्रयान पे पहुंच गए। मैं कह रहा हूँ भैया, तुम्हारे भागे पड़ रहे हैं, पेट के जनता का इंतजाम करो, भूखो मर रहे हैं लोग उनका इंतजाम करो, उसके बारे में सोचो, हमारी चिंता मत करो, बेवजह फटे में टांग मत अड़ाओ। हाँ, बता रही हूँ। आजकल एक मोदी जी का फोटो चल रहा है, वो उन्होंने लाल किले पर तिरंगा फहराया था बहुत दिनों पहले। हाँ, वो फोटो बहुत दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, छाया हुआ है, बता रही हूँ। वो मैं बता रहा हूँ, ये आदमी देखो, पहले दृढ़ संकल्प किया था इन्होंने धारा 370 हटाने का उस वक्त, और वो उन्होंने करके दिखा दिया, बता रहा हूँ। ये काम कहलाते हैं, बता रहे हूँ। और पूरे देश में बता रहे हूँ बाढ़ के हालात बने हुए, कई जगह बाढ़ आ रही है, बाढ़ में भी तिरंगा लेकर लोग खुशी मना रहे हैं। वे ऐतिहासिक काम हुआ है देश में बहुत सालों बाद, बता रहे हूँ। वो कांग्रेस के नेता तो ये थे फड़फड़ा रहे हैं, बता रहे हूँ। वो फारूक अब्दुल्ला भाई बोल रहे, ये लोकतांत्रिक हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। और मैं बता रही हूँ, कई नेता को तो अभी जेल में ठूसे जा रहा है, उनके जो अपराध हैं, इनके जो मोनोपोली चल रही थी कश्मीर में, इनकी दुकानें चल रही थी, सबकी बंद होने वाली है। हाँ, मैं भी जाऊं भैया, मेरे भी दुकान खोलने का टाइम हो गया है। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals. Join India's premier skill based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lncdu.ac.in.